Hey guys, welcome back to Weekly Updates. Weekly Updates, जहाँ पर पूरे वीक का मसाला जो है आपको डाल के मसाला डाल के पूरा आपको दे देंगे। तो इस वीक का रिकैप देखेंगे, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। तो बिटकॉइन अपडेट से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीक के अंदर सबसे शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि यहाँ पर SEC ने बाइनेंस को सू किया एंड उसके बाद नेक्स्ट डे कॉइनबेस को सू किया। बट ओवरऑल अगर हम बिटकॉइन की प्राइस के अंदर देखेंगे, इतने बड़े इवेंट होने के बाद भी सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 7% डंप आया जब यहाँ पर सबसे पहले SEC ने बाइनेंस को सू किया एंड उसके जस्ट बाद नेक्स्ट डे जब SEC ने कॉइनबेस को सू किया तो सरप्राइजिंगली 7% पंप फिर से आ गया। तो ओवरऑल यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अगर हम देखेंगे, एक तरह से इंडिकेशन ये मिल रहा है कि मार्केट में जो सैचुरेशन पॉइंट है वो अब इतना ज़्यादा यहाँ पर रहा नहीं, मतलब काफ़ी क्लोज उसके आ गया। क्योंकि यूजली अगर ये मूव हमको बुल मार्केट में देखने को मिलता तो ईजिली 20-30-40% का डंप मार्केट में आ सकता था, लेकिन क्योंकि अभी करंटली हम बेयर मार्केट में चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी जो है बहुत ही छोटा 7% का यहाँ पर देखने को मिला। अब उस अकॉर्डिंग एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हुई है वो ये है कि जब बाइनेंस को सू किया गया था उस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे आ गई थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब हम इसके नीचे आए थे बहुत टाइम लगा था इसको ब्रेक करने के लिए, ऑलमोस्ट एक साल। तो इसके नीचे आना अच्छा नहीं था, लेकिन अगर आप देखोगे जब कॉइनबेस को सू किया तो वो पॉजिटिव था, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस फिर से $26,800 पे आ गई है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंटली देखना यह है कि इस वीक के अंदर ओवरऑल ये पूरी सिचुएशन किस तरह से टर्न आउट करती है, क्योंकि SEC ये भी कोशिश कर रही है कि जो एसेट्स हैं बाइनेंस US के उसको फ्रीज करें, तो उसके लिए मोशन फाइल किया है। अब वो होता है कि नहीं होता है वील हैव टू सी, बट डेफिनेटली SEC इज गोइंग हार्ड अगेंस्ट ऑल दी क्रिप्टो एक्सचेंजेस, स्पेशली द बिग वंस बाइनेंस एंड कॉइनबेस। अब यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखेंगे, यूजली जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है विच इज़ हेयर विच यू कैन सी अराउंड 27,200, जब ब्रेक होती है तो प्राइस फिर से रीटेस्ट करने के लिए आती है एंड फिर वहाँ पर क्या रिजेक्शन आता है या ऊपर प्राइस जाती है वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो दैट इज़ समथिंग विच वील हैव टू सी जो आने वाले एक दो दिन में क्लियर होगा, अभी उस पर थोड़ा सा बात करना इतना सही नहीं रहेगा। लेकिन ओवरऑल एक जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जब ये मूवमेंट आता है आई यूजली लुक एट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यू कैन क्लियरली सी कि जब यहाँ पर ये मूवमेंट आया, जब बाइनेंस को सू किया, आप देख सकते हो रेड वॉल्यूम कैंडल है, इसका मतलब सेलिंग ज़्यादा हुई है बाइंग कम हुई है। लेकिन जब यहाँ पर अगर आप देखोगे ओवरऑल प्राइस नीचे आके जंप करी भी तो यहाँ पर भी ऑल्दो हम प्राइस में ऊपर आ गए हैं लेकिन वॉल्यूम कैंडल देखोगे दैट इज़ रेड एंड कंपेयर टू लास्ट वन इट इज़ स्टिल लोअर, दैट मीन्स सेलिंग ज़्यादा यहाँ पर हुई ऑल्दो प्राइस ऊपर गई। तो दैट इज़ इन अ वे इंडिकेटिंग कि डॉलर वाइज इतना कोई बड़ा मूवमेंट आया नहीं है। तो ये मूवमेंट आया कैसे है, तो उसी को चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये तो है BTC USD का चार्ट, इसका मतलब डॉलर से जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं फिएट टू BTC। अब यहाँ पर हम जाते हैं बाइनेंस के ऊपर एंड वी लुक एट BTC टू USDT, मतलब टेटर को लेके अगर BTC को बाय सेल किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस या लोग यहाँ पर कर सकते हैं बिल्स, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे यू कैन सी द डिफरेंस। तो एक्चुअल ये जो मूवमेंट आया है दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन USDT, ये एक्चुअल डॉलर्स का इनटेक जो है वो नहीं आया। जब एक्चुअल डॉलर का इनटेक आता है दैट इज़ वेरी अ पॉजिटिव साइन फॉर बिटकॉइन, लेकिन जब USDT का इनटेक आता है इट्स मोर लाइक लोगों ने यहाँ पर USDT में कन्वर्ट कर दिया, सेल कर दिया और फिर वो USDT से जो है यहाँ पर बाइंग कर लिया। अब वो करने में एक्सचेंज भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, या USDT वालों को जैसे एलिगेशन लगाया जाता है कि टेथर पंप करता है वो भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस पर इतना मैं रिलाई नहीं करता हूँ, आई ऑलवेज लुक एट BTC USD का चार्ट एंड सी कि फिएट से BTC बाय हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल मूवमेंट है, बट लेट्स सी अभी जो मूवमेंट भी आया है किस तरह से आगे यहाँ पर क्लोज होता है, क्योंकि अभी ये डेवलपिंग सिचुएशन है बाइनेंस और कॉइनबेस को लेके। बाकी फंडिंग रेट देखेंगे तो पूरी इतनी फंड आने के बाद भी ओवरऑल थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव थी, लेकिन नाउ इट्स अगेन पॉजिटिव विच इज़ इन अ वे नॉट अ गुड साइन, नेगेटिव रहती तो बेटर यहाँ पर रहती। तो लेट्स सी अभी यहाँ पर प्राइस जो है प्रॉबली ये हो सकता है कि प्राइस थोड़ी सी यहाँ पर आए और यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं तो फिर रिजेक्शन आने पे क्या मूवमेंट होता है दैट इज समथिंग दैट वील हैव टू सी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव हुआ तो वो ये है कि एटलीस्ट प्राइस जो है 28 के ऊपर जाती है तब हम पॉजिटिव मान सकते हैं, उससे नीचे जो है रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बट लेट्स सी चीज़ें जो हैं किस तरह से यहाँ पर प्ले आउट करती हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो करेंटली इंडियन एक्सचेंजेस थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रही है, जहाँ पर ऑलमोस्ट उनके वॉल्यूम अगर आप देखेंगे जब से नए क्रिप्टो टैक्स लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं 90% डाउन जा चुके हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अभी करंटली जो बेयर मार्केट चल रहा है जहाँ पर इतना वॉल्यूम नहीं है, ये इंडियन एक्सचेंजेस कब तक करंट सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग कॉइनडेस्क ने एक आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश किया जहाँ पर उन्होंने रीच आउट किया एक्सचेंजेस को एंड उसके अकॉर्डिंग सारे एक्सचेंजेस ने यहाँ पर रिप्लाई दिया, जहाँ पर CoinDCX का ये बोलना है कि भाई कंडीशन ऐसी रही, टैक्स लॉ में कुछ चेंज नहीं आया और बेयर मार्केट ही चलता रहा, तो
तो अभी भी हमारे पास इतना फंड है कि हम 4 साल तक यहाँ पर रन कर सकते हैं। वजीरेक्स का बोलना है कि वो 21 मंथ्स तक रन कर सकते हैं। कॉइनसिच ने रिवील नहीं किया कि कब तक रन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हम यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, FD एंड बाकी चीज़ों के अंदर। जेप्पे ने भी ये रिवील नहीं किया कि कब तक वो रन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि सिंगापुर बेस्ड एक सब्सिडियरी है जिसका यहाँ पर उनके पास सपोर्ट है। साथ में बायू कॉइन का यहाँ पर ये बोलना है कि वो एंड ऑफ 2024 तक यहाँ पर रन कर सकते हैं, जो काफ़ी क्लोज है, लेकिन साथ में वो ये भी प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर वो फंड्स रेज करेंगे। ज्यूटस का ये बोलना है कि करंट कंडीशन में 2 साल तक वो यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इंडियन एक्सचेंजेस अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 साल यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर रन कर सकते हैं। अब उससे पहले अगर क्रिप्टो टैक्स लॉस चेंज हो जाते हैं या फिर अच्छा बुल रन आ जाता है तो थोड़ा यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस के लिए अच्छा रहेगा, बट लेट्स सी चीज़ें जो है आगे किस तरह से मूव करती हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर नया रूल इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर अगर बाली में अगर टूरिस्ट आते हैं और क्रिप्टो को यूज़ कर रहे हैं इंडोनेशियन रुपया की जगह, तो उनको यहाँ पर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में यहाँ पर फाइन लग सकता है अराउंड $13,000 तक का। क्रिप्टो को एज अ करेंसी की तरह यूज़ करना, उसके ऊपर बैन लगाना, उसके साथ लोग अग्री यहाँ पर नहीं करते हैं। साथ में कुछ लोग जो हैं जो बाली में जाके एज अ नोमैड लाइफ भी यहाँ पर लिव कर रहे थे, वो भी अब रिकंसिडर कर रहे हैं प्लान कि क्या उनको वहाँ पर जाके रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए इन नए रूल्स के इंट्रोडक्शन के बाद। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, रशिया को लेकर पहले न्यूज़ आई थी कि वो खुद यहाँ पर एक नेशनल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो है उसको लॉन्च करने वाले। अब न्यूज़ ये आ रही है कि उस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का प्लान अबैंडन कर लिया है और रशिया ने अपने यहाँ पर अपना फोकस शिफ्ट कर लिया है क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए। जहाँ पर स्टेट डूमा ऑफिशियल एनाटोली का यहाँ पर ये बोलना है कि रशिया यहाँ पर नए प्लेटफॉर्म जो उसको बनाता रहेगा एंड उसको रेगुलेट भी करेगा, उसको लेके प्रोसेस यहाँ पर बनाएगा ताकि अभी जो करंटली सैंक्शंस हैं उनको अवॉइड करने के लिए क्रिप्टो को किसी तरह से यूज़ कर पाए। अब रशिया के अंदर जो क्रिप्टो एक्सचेंज और प्लेटफॉर्म होंगे उसको पूरा ओवरसी करेगा यहाँ पर रशियन सेंट्रल बैंक, जो आज से कुछ टाइम पहले क्रिप्टो को बैन करने की बात कर रहा था, लेकिन अभी क्योंकि करंटली जो सैंक्शंस लगे हुए हैं यूक्रेन रशिया वॉर के कारण, उससे काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो रशिया यहाँ पर कर नहीं पा रहा है। तो इन अ वे क्रिप्टो को यहाँ पर यूज़ करके भी कुछ ट्रांजेक्शन जो होता है उसकी पॉसिबिलिटी वो यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन वील हैव टू सी कि आगे ये जो चीज़ जो है किस तरह से अनफोल्ड होती है। अगर यहाँ पर क्रिप्टो को यूज़ किया जाता है ट्रांजेक्शन के लिए भी, तो क्या उसका ब्लोबैक US और बाकी कंट्रीज़ की तरफ से आता है जहाँ पर वो बाकी प्लेटफॉर्म या एक्सचेंज या कुछ क्रिप्टो को लेके बैन करने की यहाँ पर बात करते हैं या स्ट्रिक्ट और रेगुलेशन लेके आते हैं या स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेके आते हैं। वी हैव टू वेट एंड सी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक ऑप्टिमिज्म टोकन का मैसिव अनलॉक भी था जिसको लेके हमने एक शॉर्ट के अंदर कवर भी किया था टू वॉर्न यू कि यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस के अंदर डंप हमको देखने को मिल सकता है। ऑप्टिमिज्म टोकन को लेके भी चार्ट जो था हमने आपसे शेयर किया था, जिसके अकॉर्डिंग अभी करंटली बॉटम ट्रेंड लाइन ऑप्टिमिज्म टोकन की इज होल्डिंग एंड थोड़ा सा स्लाइड बाउंस अराउंड 12-13% का हमको देखने को मिला है, लेकिन अभी भी जो क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट है वो यहाँ पर ऑप्टिमिज्म टोकन के अंदर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो ऐसे ही अगर आप चार्ट्स के साथ भी अपडेटेड रहना चाहेंगे, बिकॉज हम आने वाले टाइम पे और भी ऑल्ट कॉइन जो है उनके चार्ट जो है रेगुलरली टेलीग्राम के ऊपर शेयर करते रहेंगे, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अस। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर टेटर जो USDT को यहाँ पर इशू करते हैं वो प्लान कर रहे हैं बिटकॉइन माइनिंग करने का उरुग्वे के अंदर, एंड उरुग्वे में अगर आप देखोगे 94% वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो ग्रीन एनर्जी से यहाँ पर बनती है। सो इसी कारण से वो प्लान कर रहे हैं कि बिटकॉइन माइनिंग जो है उसको लेके यहाँ पर बेस उरुग्वे के अंदर सेटअप करें, ताकि एक तरह से वो एग्जांपल भी बने कि कैसे ग्रीन एनर्जी को लेके भी यहाँ पर बिटकॉइन को माइन किया जाता है एंड इट कैन बी प्रॉफिटेबल एज वेल। बिटकॉइन माइनिंग को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ये डाउट्स हैं कि क्या वो डर्टी एनर्जी को यूज़ करके बिटकॉइन के नेटवर्क चलते हैं या नहीं चलते हैं, तो उसको लेके हमने एक वीडियो बनाया जो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पर देगा, तो उसको भी आप डेफिनेटली चेकआउट करना। बट लेट्स सी यहाँ पर टेथर जो प्लान कर रहे हैं बिटकॉइन माइनिंग का हाउ इट प्लेज आउट। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, कनाडा मार्केट को बाइनेंस ने एग्जिट किया और अब उसके बाद यहाँ पर बायबिट ने भी उसको एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने का मेन रीजन ये है कि अभी रेगुलेटरी चेंजेस जो कनाडा के अंदर आए हैं, जिसके कारण अभी कुछ लाइसेंसेस एंड अप्रूवल्स हैं जो एक्सचेंजेस के पास होने चाहिए जो करंटली नहीं है, तो इसी कारण से उन्होंने यहाँ पर प्लान किया है कि अपनी सर्विसेज को स्टॉप करने वाले हैं। नए अकाउंट जो है वो 31 मई के बाद यहाँ पर क्रिएट होने बंद हो जाएंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो 31 जुलाई तक अपने अकाउंट्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर फॉर्मली साइन किया है MiCA इनटू द लॉ। अगर आप बोलेंगे MiCA क्या है, तो ये क्रिप्टो को लेके नए यहाँ पर रेगुलेशंस हैं जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो अब यहाँ पर साइन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बात करी है, तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से भी न्यूज़ ये आई है कि अगर आप इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस से प्राइवेट वॉलेट पे अगर आप क्रिप्टो एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, तो उसके ऊपर आपकी फेस आईडी वेरिफिकेशन या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पर कंपलसरी हो सकती है आने वाले टाइम पे। अगर हम देखेंगे ओवरऑल ये FATF के रूल्स थे जो आज से 2 या 3 साल पहले उन्होंने रिकमेंड करे थे कि अगर क्रिप्टो एक्सचेंज पे कोई भी यूज़र है तो उसकी KYC होनी चाहिए, और जहाँ पर भी जब भी वो ट्रांसफर करते हैं किसी और को, जैसे मैं अगर किसी को सेंड कर रहा हूँ क्रिप्टो एसेट्स या कहीं
ऊपर भी सेंड कर रहा हूँ खुद के वॉलेट पे, तो उसका भी KYC होना चाहिए, तभी वो यहाँ पर एनेबल होना चाहिए। तो अब लग रहा है कि यहाँ पर जो सारी कंट्रीज हैं स्पेशली G20 नेशन उसी चीज़ को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक इलॉन मस्क को सू किया इन्वेस्टर्स ने डोज कॉइन प्राइस मैनिपुलेशन के लिए, जहाँ पर उन्होंने ये बोला कि इलॉन मस्क यहाँ पर टाइम टू टाइम डोज कॉइन के प्राइस को पंप करने के लिए ट्विटर पर चीज़ों को पब्लिश करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं। इनफैक्ट सैटरडे नाइट लाइव के अंदर भी उन्होंने डोज कॉइन की बात करी एंड रिसेंटली ट्विटर का लोगो जो है वो भी डोज कॉइन के लोगो के अंदर चेंज यहाँ पर कर दिया। तो ये लॉ सूट है जो इन्वेस्टर ने किया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि इलॉन मस्क के कारण हमारा काफ़ी हैवी यहाँ पर लॉस जो है वो यहाँ पर हुआ है। ऑल्दो इलॉन मस्क के यहाँ पर जो लॉयर है उनका बोलना है कि ये सारी चीज़ें बेसलेस हैं, लेकिन वी हैव टू सी कि ये जो लॉ सूट है ये इलॉन मस्क वर्सेस इन्वेस्टर्स किस तरह से प्ले आउट होता है। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा, इलॉन मस्क या यहाँ पर इन्वेस्टर्स? डू लेट अस नो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक बाइडेन ने यहाँ पर फाइनली डेट लिमिट बिल जो है उसको पास कर दिया एंड यूएस जो डिफॉल्ट करने वाला था अब वो यहाँ पर नहीं होगा। डेट लिमिट एक ऐसी चीज है जो हमेशा यहाँ पर इंक्रीज होती है, बस उससे पहले थोड़ा सा ड्रामा होता है यहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जहाँ पर वो बस अपने जो टर्म्स है उसके ऊपर फाइट करते रहते हैं। इन दी एंड दोनों को हाथ तो यहाँ पर मिलाना पड़ता है, क्योंकि हाथ नहीं मिलाया तो गवर्नमेंट पैसे से रन आउट कर जाएगी और गवर्नमेंट यहाँ पर रन नहीं करेगी, जो कभी यहाँ पर होगा नहीं। तो वही इस बार भी यहाँ पर हुआ, काफी लंबे वीक्स तक यहाँ पर ड्रामा हुआ एंड इन दी एंड दोनों पार्टीज ने यहाँ पर हैंडशेक कर लिया और अब डेट लिमिट जो है वो इंक्रीज हो चुकी। लेकिन डेड लिमिट सीरियसली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूएस के अंदर, जिसको लेके भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया, तो आप उसको डेफिनेटली चेकआउट करना ताकि एक आपको आइडिया मिले कि ये है क्या और क्यों बार बार इसको यहाँ पर इंक्रीज करा जाता है, तो उसको आप डेफिनेटली चेकआउट करना। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम इस वीक के हैक्स की बात करेंगे। तो इस वीक के अंदर यहाँ पर हमको सेल्फ फ्रेम का नेटवर्क एक्सप्लॉइट देखने को मिला, विच वॉज वर्थ 245 BNB, जो इतना बड़ा नहीं था बट स्टिल एक्सप्लॉइट हैपेंड। साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वीक का सबसे बड़ा जो हैक था वो था ऑटोमिक वॉलेट का हैक या फिर एक्सप्लॉइट, जहाँ पर टोटल अभी तक $35 million वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है वो चोरी हो चुके हैं। लार्जेस्ट विक्टिम जो था उन्होंने यहाँ पर लूज किए $7.95 USD। अब ये हैक का जो मेन रीजन है वो सामने आया नहीं है, लेकिन बोला ही जा रहा है कि ऑटोमिक वॉलेट जो है उसके ऊपर पुअर सिक्योरिटी मेजर्स थे, जिसके कारण ये हैक जो है वो यहाँ पर पॉसिबल हो पाया। बट अभी करेंटली ये जो पूरा केस है इट इज स्टिल अनफोल्डिंग, सो वी विल हैव टू सी इन द एंड यहाँ पर चीजें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक के हम मैक्रो अपडेट भी देख लेते हैं, जहाँ पर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर और GDP नंबर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, आने वाले वीक्स के अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को हम यहां पर देखते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, फन फैक्ट ऑफ द वीक। तो इस वीक कैंसर को लेके एक स्कैमर ने $119,000 यहाँ पर चोरी करे। अगर आप देखेंगे पिक्सेल पेंगुइन एक NFT प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ, जिनका बेसिकली बोलना यह था कि मैं कैंसर से यहाँ पर डील कर रहा हूँ, तो इसलिए आई वॉन्ट टू लॉन्च माई प्रोजेक्ट। अब ये जब चीज देखी तो क्रिप्टो ट्विटर दे केम टुगेदर एंड हेल्प करेगी कैंसर से बेचारा बंदा डील कर रहा है। तो यहाँ पर $119,000 जो है इस बंदे ने यहाँ पर गैदर करे। लेकिन इन दी एंड ये जो बंदा था ये स्कैमर था, जिसने सिमिलर स्कैम्स पहले भी रन कर रखे थे एंड इनफैक्ट ये NFT भी जो सेल कर रहा था ये दूसरे आर्टिस्ट का वर्क था जो यहाँ पर वो सेल कर रहा था। जब ये इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आई तो यहाँ पर ही जो स्कैमर था उसने अपने $119,000 जो है वो ट्रांसफर करे और वो यहाँ पर गायब हो गया अपने क्रिप्टो ट्विटर अकाउंट को डिलीट करके। तो इसलिए क्रिप्टो में ऑलवेज बी केयरफुल, आपको नए तरह के स्कैम जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रेटअप स्कैम करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर लालच दे के स्कैम करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर सिंपथी गेन करके स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। तो गाइस ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट्स। इफ यू लाइक वीकली अपडेट्स डू लाइक डू सब्सक्राइब। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट बिटकॉइन एंड द एंटायर मार्केट, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस वेलकम बैक टू वीकली अपडेट। वीकली अपडेट जहां पर पूरे वीक का रिकैप आपको एक ही वीडियो के अंदर दे देंगे साथ में। चलो बहुत हो गया, चलो मजाक, मेरे को जाना है। अब वीडियो खत्म हो चुका है, अब हमको ढूंढना है इंटरनेट। 32 मिनट्स का वीडियो है, चलो।